वेलकम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल दिल पे जख्म खाए हैं कि अगली एपिसोड बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे ही उस्मान को मालूम होता है कि शफक तो माँ बनने वाली है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे यही लग रहा होता है कि शायद अब उसने वाकई अपनी मोहब्बत को खो दिया है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और घर आकर गुस्से का इजहार करता है। यहाँ तक कि नौरीन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उस्मान से काफी हद तक झगड़ा भी करती है और ये कह रही होती है कि तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से अब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार तुम ही हो। खैर, इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि कमाल का रवैया अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है शफक के साथ और यही सब कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सबाहत के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और खूब मुश्किलात पैदा कर रही होती है। उसने अब यही सोचा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक इंतज़ार करेगी और खामोश रहेगी जब तक कि वो अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब ना हो जाए। उसके बाद वो शफक को अपने घर और कमाल की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। लेकिन इधर अब कमाल और उसकी अम्मी बहुत ही ज्यादा शफक का ख्याल रखते हैं, खूब उसकी खातर तवाजा हो रही होती है। इसके बाद इधर सारा को भी बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है कि आखिर उसकी बहन अब अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुश है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि आखिर किरण इस घर से किस तरह से जाएगी? दोस्तों, आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।